ओके बच्चों, एक नीट मेंस लेवल का न्यूमेरिकल लेके आए हो। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है किसी फोर्स फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में, एफ वेक्टर जो फोर्स है उसमें कंजर्वेटिव फील्ड में लग रहा है, उसे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई। मुझे पार्टिकल पे फोर्स बताना है जो कि इस फील्ड में है, इस पोजिशन पर, जब वो इस पोजिशन पर, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है फोर्स एक्स वाला होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। मैंने आपको बताया जब वेरिएबल होता है तो ऐसे ही करते हैं, और वाई वाला होता है माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। सबसे पहली बात हम माइनस लिखेंगे और डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हुआ कॉस, ऐसे लिख लीजिए इसको, इसका डिफरेंशिएशन हुआ कॉस एक्स प्लस वाई, पक्का साइन का कॉस। फिर आगे अंदर एंगल करेंगे चेन रूल से, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 1 और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा 0। बोला समझ में आई? सिमिलरली जब यहाँ होगा तो माइनस साइन का होगा कॉस x प्लस वाई, फिर चेन रूल से जब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा 0 और y के रिस्पेक्ट में होगा 1। बोला समझ में आया? पक्का? तो जब डालोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस के साथ कॉस पाई बाय फोर, जीरो प्लस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर ही होगा कॉस 45 डिग्री माइनस 1 बाय रूट, ये भी माइनस 1 बाय रूट। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया माइनस 1 बाय रूट टू आई कैप, माइनस 1 बाय रूट टू जे कैप, और मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ 1 बाय टू प्लस 1 बाय टू, दैट इज 1। ये फोर्स आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लगता है लेकिन है आसान, ठीक है ना। मेंस नीट लेवल का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप से, आपको हैंडल करना आना चाहिए।